कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं बहुत सारी कार कंपनियों की यही। बिल्कुल, अगर आप भैया रात में चलेंगे लाइट पे तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है? कम से कम बजट में सही सौदा। भाई मारुति वाले कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं चाबी में, तो मैंने इसको बनवाया 10 साल के ऊपर से भी ज़्यादा, चाहे वो नेक्सा आ गया, नेक्सा के थ्रू प्रीमियम डीलरशिप भी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन चाबी वही देसी वाली ही रहती है। क्रोम स्पेशली अगर आप काम करवा रहे हो ना, तो वो जेन्युइन ज़रूर लगवाना। क्वालिटी के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी लगी है। एक अच्छी चीज़ है कि ये सारे पीसेस मिलते हैं कि आप उठाओ और सीधे ये रिप्लेस कर दो। आप चलो ना, चुर 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 आवाज़ उसमें आती रहती, तो वैसी आवाज़ नहीं है। ये काम कर रहा है प्रॉपर? प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा, सेफ्टी का इशू नहीं लगा आपको कि भैया मारुति की गाड़ी पे जा रहे हैं, सेफ्टी का ऐसा? नमस्कार दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आपको बता दूं, मैं अपने होम टाउन आया हूं, अपने गांव आया हुआ हूं, और यहां आता हूं तो भाई कुछ ना कुछ नया ज़रूर ऑटोमोबाइल में देखने को मिलता है। इस बार भी आया तो क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे लोग हैं, तो गाड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं यहाँ पर। और हमारे एक भैया हैं, वो बहुत दिन से एक परफेक्ट कार की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी कार तलाश कर रहे थे जो वैल्यू फॉर मनी हो। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलिनो की, क्योंकि हम सबको पता है कि जो इंडिया का जो मार्केट है, 50% शेयर जो मार्केट शेयर होता है वो मारुति का होता है, और उसमें भी बलिनो एक ऐसी कार है जो टॉप 5 में तो रहती ही है। तो चलते हैं, पहले भैया से मुलाकात करते हैं। भैया बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो भैया ने बलिनो ली है, और बलिनो क्यों ली है ये इनसे जानते हैं, क्योंकि क्या है जो इंडिया के मार्केट में, जैसा मैंने बोला ना, एक बेहतरीन चॉइस रहती है लोगों की बलिनो। तो भैया आप बलिनो क्यों लिए? क्योंकि सबसे बड़ा है कि मारुति का नाम, हाँ, इसकी रिलायबिलिटी और मेरा बजट, मेरे बजट में और सब कुछ देखते हुए इसका माइलेज सब ये ही मुझको फिट लगी, इसलिए मैंने इसको लिया। हाँ। हालांकि मैंने कई गाड़ियाँ देखी, हाँ, किसी में फीचर ज़्यादा है तो माइलेज कम है, किसी का रीसेल वैल्यू कम है, तो हमको यही परफेक्ट लगा, तो इसलिए हमने बलिनो ली। बलिनो ली मतलब जो मार्केट की ट्रेंड जो चल रहा था वो आपको भी पसंद आया। और जाहिर तौर पे अगर कोई गाड़ी अगर मार्केट में चलती हो तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। और जैसे इस कलर की बात कर रहे हैं, ये कलर आपने चुना क्योंकि अपने घर में ज़्यादातर गाड़ियाँ सफ़ेद हैं ना, और आपका भी कलर सफ़ेद पसंद है, इसीलिए आपने सफ़ेद जैकेट भी पहनी है। लेकिन आपने ये इस कलर पे क्यों गए? ये ब्लू का, ये कौन सा कलर है वैसे? क्रिस्टल ब्लू है। क्रिस्टल ब्लू है ये। पहले जो बलिनो का कलर आता तो उससे डार्क है ना, काफ़ी स्मार्ट कलर लगता है, एक ब्लैक शेड भी देता है। लेकिन आपने क्यों ये कलर पसंद किया? सच्चाई तो ये है कि मेरा एक नाती है, हाँ, जिसकी उम्र 6 साल है, हाँ, उसने कहा कि नाना आप ये गाड़ी लो, क्योंकि ये दूर से दिखने में BMW का कलर दिखता है। ये बात तो सही कही, भले ही वो 6 साल का है लेकिन ऑब्जर्वेशन तो तगड़ी है गुरु उसकी। हाँ, तो मैंने कहा चलो, हाँ, मेरी तीसरी जनरेशन है, हाँ, तो उसी का मान लेते हैं। ये आपने जो वेरिएंट लिया है ये कौन सा वेरिएंट? ये मेरा डेल्टा AGS है। डेल्टा AGS, ये मतलब बेस वेरिएंट कहलाएंगे। AGS का बेस है। AGS का बेस है। तो भैया ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये गाड़ी मुझको दिल्ली NCR में 8,81,000 रुपये की पड़ी। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप ये मतलब हमारा गांव जो है वो बादशाहपुर पड़ता है, जो जौनपुर जिले में पड़ता है? बिल्कुल ना, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ छोड़ के और मेरे 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 40 किलोमीटर रेंज में 3 एजेंसियाँ हैं। हाँ। इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में है, हाँ, जौनपुर में है, हाँ, और मेरा रेजिडेंस लखनऊ में भी है। वहाँ भी मैंने बहुत ढूंढा पर ये मुझको AGS मिली नहीं। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो था वो आपको नहीं मिला? एजेंसी वाले ये बोल रहे थे कि भाई आप पहले बुक करो, फिर 1 महीने के बाद आएगी। तो मैंने नोएडा में सर्च किया तो वहाँ मुझको अवेलेबल हो गई। मतलब दिल्ली NCR में ज़्यादा चलन चलती है, इसलिए वहाँ पे इन्वेंट्री ज़्यादा आती है, तो इन्वेंट्री फटाफट मिली। बिल्कुल, क्योंकि मैनुअल से इसका रेट ज़्यादा है, इसी वेरिएंट का मैनुअल का रेट इससे कम है, तो शायद इसलिए लोग ना लेते हो। ऑटोमेटिक की बात आपने कही, ऑटोमेटिक में कितना आपको आराम मिल रहा है चलाने में इसका? मुझको बहुत आराम मिल रहा है, चूंकि ये सोफर ड्रिवेन कार मेरी है नहीं, मैं खुद सेल्फ ड्रिवेन है, तो इसलिए मुझको, मेरी एज भी हो रही है, तो मुझको ये लगा कि भाई AGS ही लिया जाए। सही बात है, वैसे आने वाले समय में ऑटोमेटिक का ही अब ज़माना आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अभी मैनुअल क्यों ले रहे हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा लेकिन वो समझ जाएंगे ज़रूर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनको भी था कि भाई पावर चाहिए, टॉर्क चाहिए, लेकिन जब वो थोड़ा सा लंबा सफ़र पे जाते हैं ना, बोलते हैं यार पैर दर्द करने लग रहा है। और स्पेशली दिल्ली NCR का जो बंदा है वो तो बम्पर टू बम्पर में परेशानी हो जाता है ट्रैफिक में। तो
ऑटोमेटिक का ये फायदा है, इन्होंने समझा। वैसे आप बहुत पहले से ऑटोमेटिक। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका AGS लैग नहीं करता। अच्छा, जो मैंने चलाया, हाँ। अभी तो मैं 1000 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। कितने दिन में 1000 चला दिया आपने? अभी तो ली है गाड़ी? हाँ, एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर 1000 किलोमीटर चला दिया भैया, क्योंकि माइलेज सर्विस आ गई होगी। हाँ, आ गई क्योंकि माइलेज इसका इतना बढ़िया है कि फिर चलाते ही जाओ। और AGS है। माइलेज कितना ले रहे हैं आप? मैंने अभी इसका माइलेज लिया है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का AGS में तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप क्या बहुत मेंटेन करके चल रहे थे? मैं 90-100 के बीच में चलता हूं। 90-100 भी पर्याप्त स्पीड है यार। हाँ। अपनी जो रोड्स है उस हिसाब से तो 90-100 बिल्कुल। मुझको ओवरटेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, इसमें। हाँ। और रफ चलाता नहीं हूँ। तो 100 की स्पीड में अगर आपको 21 का माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से आपने जैसे इसको लेने के बाद कुछ एसेसरीज भी डलवाई है मुझे। हाँ, आपने बताया जी। तो एसेसरीज ओवरऑल जानेंगे कि लगभग कितने की आपको पड़ गई एसेसरीज? मैंने ओवरऑल 98,000, मतलब लगभग 98,000 एक लाख की एसेसरीज आपने डलवाई। हाँ, बिल्कुल, और 880 की ली थी गाड़ी, अब आपको लगभग 970 की पड़ गई। बिल्कुल। तो जैसे फ्रंट में क्या कुछ चेंज हुआ एसेसरी? मुझे लगता है वैसे मारुति तो बहुत कुछ देता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। ये इसके लाइट में जो बल्ब है, एलईडी बल्ब चेंज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा पुअर था इसका वो लाइट। तो आजकल मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंपनी फिटेड बहुत सारी ऐसी कार कॉस्ट कटिंग करते हैं। बहुत सारी कार कंपनियों की। बिल्कुल, अगर आप रात में चलेंगे लाइट पे तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। तो उससे फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। बिल्कुल, मतलब जो ये यार, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि एक तो मैं ऐसी कार दिखाना चाहता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी है, दूसरा आप कौन सी एसेसरीज करवा लें जिससे आपको ये सहूलियत हो जाए कि हाँ यार ये मेरी कार परफेक्ट हो गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं रहता, देखिए आपका अगर बजट होगा तो आप टॉप वेरियंट पर तो ऑलरेडी चले जाएंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कम से कम में जो बात होती है, वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है? कम से कम बजट में सही सौदा। तो वो इन्होंने यहाँ पे किया कि जैसे फ्रंट में लुक तो ऑलमोस्ट यही सेम ही था जो बलिनो आपको मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। केवल आपने बल्ब डलवाया है इसमें, LED, ये DRL डलवा दिया, ऐड करवाया। फॉग लैंप इसमें नहीं था? नहीं था, वो पड़ा फॉग लैंप और उसके अंदर बल्ब डला। ठीक है, अब साइड से मतलब ओवरऑल वैसे देखेंगे तो लुक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑलरेडी मारुति इस तरह से बनाता है कि वो टॉप वेरियंट जैसा ही लुक रहता है। ये क्रोम उनका कंपनी फिटेड है ये। हाँ, बाकी उसका गार्निश वो ये आपने ऐड कर दिया। हाँ, ऐड कर तो वो टॉप वेरिएंट ही बन गया। बिल्कुल। साइड से अगर हम आते हैं तो साइड प्रोफाइल की बात करें, अभी इसमें आपने एलॉयज नहीं डलवाए हैं। हाँ, एलॉयज डलवाना है। तो मतलब एलॉय व्हील जब आप इसमें डलवा देंगे तो लगभग 10 लाख के अंदर आपकी कार पूरी कंप्लीट हो जाएगी विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो जेटा हो जाएगी, एक जेटा हो जाएगी भाई, एक तरह का फायदे का सौदा है यार। बलिनो जैसी कार आप इसको प्रीमियम हैचबैक में काउंट करें, क्योंकि नॉर्मल हैचबैक में नहीं, प्रीमियम हैचबैक में आती है। और ये सारे फीचर्स इंटीरियर दिखाएंगे तो आपको मस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंटीरियर बड़ा शानदार लगा यार। मैं भी इतनी कार्स कवर करता हूँ, करोल बाग को लोग बहुत गालियाँ देते हैं कि भाई वहाँ लूट लेते हैं, लेकिन जो इसमें काम हुआ है स्पेशली सीट कवर, वो तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जैसे आप ये ORVM ये ऑटो फोल्ड करवा दिया, ये ऑटो फोल्ड भी हो गए भाई। और इसके अलावा ये चाबी आप देखिए भाई, ये भाई मारुति वाले कास्ट कटिंग बहुत करते हैं चाबी में, तो मैंने इसको बनवाया 10 साल के ऊपर से भी ज़्यादा, चाहे वो नेक्सा आ गया, नेक्सा के थ्रू प्रीमियम डीलरशिप भी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन चाबी भाई देसी वाली ही रहती है भाई। इसको इन्होंने ऐसा कर दिया, एक फ्लिप की भी बना दी और काफ़ी स्मार्ट की भी लग रही है ये। तो बटन और डायल का पोर्शन वैसा ही है जैसे मारुति वाला आता है, लेकिन इसको एक स्मार्ट की बना, ये मुझे लग रहा है 700-800 रुपये में आपका ये काम हो गया। हाँ। तो एक स्मार्ट प्रेजेंस हो गई आपकी, तो ये एक अच्छा काम हुआ। इसके अलावा साइड से आपने क्या कुछ करवाया? जैसे ये रेन वाइजर लगवाया। हाँ। सब जेनविन रेन वाइजर लगवाया यहाँ पे। हाँ। आपने ये SS का है पर ये जेनविन नहीं है। ओके, तो ये है, ये बीट भी नीचे लगा। हाँ, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन बीट भी लगवाई है। तो भाई कुछ ऐसे क्रोम के काम होते हैं जो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्रोम स्पेशली अगर आप काम करवा रहे हो ना तो वो जेन्युइन ज़रूर लगवाना, क्योंकि आने वाले समय में या तो ये काला पड़ जाता है या इसका रंग फेड हो जाता है या पपड़ी जैसी निकल जाती है, उसका ज़रूर ध्यान रखना। ये भी लगवाया, ये भाई सस्ता आइटम होता है लेकिन बहुत नेसेसरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं साइड से, तो बात हो गई है पीछे की तरफ से। यहाँ पे ये गार्निश पूरा ही आपका ये पार्ट हो गया। हाँ। तो ये भी एक गार्निश का पार्ट है जो आपने लगवाया है। अच्छा है ये कि पूरा नहीं लगवाया, जो पूरा रहता है तो बड़ा भरा भरा सा। ये कंपनी से ही लगा हुआ है, ये कंपनी से ही लगा हुआ है, तभी ये इतना स्मार्ट लग रहा है। पीछे की तरफ
शार्क फिन एंटीना भी आपने लगवाया, प्रॉपर कनेक्शन वाला है? हाँ बिल्कुल, तो प्रॉपर कनेक्शन वाला लगवाया है। ये आई थिंक डार्क कलर है, ब्लैक कलर लगा है, और ये इससे टू टोन भी दे रहा है, तो बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी लगी है। और ये तो कंपनी ही देता है ये पार्ट? नहीं, ये भी लगाया, जेन्युइन है पर। अच्छा, ये भी लगवाया है आपने, ये भी हाँ, ये भी लगवाया है बूट का, ये भी क्रोम जो है ये भी लगवाया। इसके अलावा ये भी देख रहा हूँ मैं, ये आपने चेंज करवाया हाँ। है ये रिफ्लेक्टर की जगह ये प्रॉपर इंडिकेटर और इंडिकेटर रनिंग वाला ये लगवाया है। तो पीछे का ये काम हो गया, साइड्स आपको दिखा दी है, और जो डैम्पिंग करवाया, डैम्पिंग भी हाँ, ये देखिए ये फ़र्क रहता है ये, और स्पेशली मारुति की गाड़ी में भैया बहुत ज़रूरत है, डैम्पिंग हो जाती है तो एक ठोस महसूस होता है। ये सारे शीशे नीचे हो गए हैं, और इसमें भी एक अटैचमेंट करवाया है कि ये करके आपने चाबी बाहर निकाल ली, और इसको जब आप लॉक कर देंगे तो ये भी आपको, ये लॉक करने के बाद पहले ORVMs फोल्ड हुए, फिर एक एक करके शीशे चढ़ने, अब वो वाला शीशा देखेंगे, वो वाला शीशा चढ़ा, मैं हाथ पीछे का ले रहा हूँ भैया, ये वाला भी शीशा चढ़ गया, बट ये भी एक नेसेसरी एसेसरीज़ है, स्पेशली जो लोग भूल जाते हैं कि भैया लॉक हुई है कि नहीं, शीशा ऊपर हुआ है कि नहीं। अब जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यार, वो लगा इसका इंटीरियर, वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। ये आप अगर इंटीरियर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यार कितना ही शानदार काम हुआ है। ये आप देखो लाइट कलर, भैया लाइट कलर आपने बड़ा चुना है इसका, कंट्रास्ट के तौर पर, लेकिन ठीक है, लेकिन सीट कवर बहुत अच्छा है आपको, मतलब कंफर्ट भी आ रहा है बहुत बहुत ज़्यादा, ये बैक पे तो बहुत अच्छा हाँ, इसका वो है, इसको क्योंकि ये बढ़िया उठा के भी बनाया है तो जो बैक सपोर्ट है वो मिलेगा, साइड वॉल्स भी जो हैं और अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़ गया बहुत, है यहाँ पे, ये ऐसा उठाया हुआ है तो बड़ा अच्छा फिट एंड फिनिश मिला है। अंदर से अगर आपको दिखाएंगे तो ये एम्बियंट लाइट यहाँ पर लगी है, उसके अलावा आपको ये भी एकदम टॉप वेरिएंट जैसा ही फिट कुशन भी कर दिया है, विथ फोम लगी हुई है, यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। ये देखो ऑलरेडी मारुति ये टू टोन आपको देता है, क्योंकि ये डार्क ब्लू कलर है तो ब्लू वाला ही इसमें शेड दिया है। ये भी आपने चेंज करवाया, इसको भी चेंज करवाया, एक अच्छी चीज़ है कि ये सारे पीसेज मिलते हैं हाँ। कि आप उठाओ और सीधे ये रिप्लेस कर दो, तो ये पीसेज भी चेंज हो गई। अंदर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पीस चेंज हुआ है पूरा, इसमें ये क्रोम लाइन भी आ जाती है, इसके अलावा ये साइड में जो ग्लॉसी हमने उधर भी दिखाया है वो मिला है, यहाँ एयर वेंट्स पे भी ये जो कार्बन फिनिश है ये भी चेंज हुआ है, इस पे ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बाकी सारे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, इस तरह की कुछ इसकी MID दिख रही है, और क्योंकि यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, ट्रैक्शन का बटन मिल रहा है, और साथ में ये आपको लाइट लेवलर का बटन मिल रहा है, तो जो फिट एंड फिनिश है वो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक तरह का पूरा टॉप वेरिएंट इन्होंने इंटीरियर से कर दिया, और ये सारे कैबिनेट्स चेंज करके साथ ही जो इसमें स्टिचिंग का काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, और एक जो लुक पूरा कार का आ रहा है वो आप देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एसी वेंट भी मैंने पीछे लगा दिया, और ये भी आर्मरेस्ट के साथ पूरा इन्होंने ये एक पीस ऐड करवाया है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आफ्टर मार्केट लगवाया है कि कंपनी से लिया था? आफ्टर मार्केट लगवाया लेकिन उसके बाद भी यार जेन्युइन है यार, ये कार्बन वाला पीस यहाँ पे भी ऐड हुआ है, और ऐसा नहीं है बहुत से लोगों की कार में मैं बैठा हूँ जो सस्ते 1000 रुपये के आते हैं, भाई मैं आपको बता दूँ 1000 रुपये में आते हैं, मैंने भी पहले अपनी कार में लगवाया था, वो ऐसे आप चलो ना चुर 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 आवाज़ उसमें आती रहती, तो वैसी आवाज़ नहीं है, एक सॉलिड है, ठोस है, और एकदम जेन्युइन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, यहाँ USB पार्ट मिल रहा है, और अच्छा इसकी स्टेयरिंग टिल्ट आती है, टेलीस्कोपिक नहीं होती है, तो ये आपको टिल्ट स्टेयरिंग यहाँ पे मिल रही है, कप होल्डर्स मिल रहे हैं। स्पीकर्स आपने नहीं चेंज करवाए? नहीं चेंज करवाए क्योंकि उतनी भैया ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डैम्पिंग हो जाती है तो वही स्पीकर्स के जो साउंड हैं वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। अब ये पीछे की तरफ से आपको दिखाते हैं, तो ये जो इन्होंने आर्मरेस्ट का पार्ट लगवाया है ना, ये देखो भाई इसमें ये AC वेंट्स भी आ गए हैं, ये काम कर रहा है प्रॉपर काम कर रहा है। चलो भैया ये भी एक शानदार चीज़ हो गई कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है इसमें। अंदर से अगर आप इस कार को पूरी तरह देखोगे ना तो भाई आपको कहीं से भी नहीं लगेगा, और बाहर से भी मुझे लगता है कि एक तरह का ये जो टॉप वेरिएंट जीटा आता है उस तरह ही ये लगने लगी है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एल्यूमिनेटेड ये लगाया है, ये थोड़ा सा ग्लास टाइप का दिख रहा है भैया हाँ, ये ग्लास टाइप का है, तो इसकी जो एक तरह से लाइट बोले ना क्वालिटी,
वो बहुत अच्छी आ रही है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पहिया बढ़िया है। तो भाई अंदर से बाहर से दोनों तरफ से मैंने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दिखा दिया, और क्यों लोग लेते हैं ये भैया ने बता दिया, और अभी 1000 किलोमीटर भी चला लिया। जो ड्राइविंग प्लेजर है वो कैसा मिल रहा है? बहुत कंफर्ट, कंफर्टेबल मिल रहा है, बहुत बहुत। अच्छा, सेफ्टी का इशू नहीं लगा आपको कि भैया मारुति की गाड़ी पे जा रहे हैं, सेफ्टी का ऐसा कुछ? देखिए अब इतना सेफ्टी, दो एयरबैग है ही है, फिर हम बचा के चला रहे हैं, सेफ्टी क्या, एक्सीडेंट तो कुछ भी हो सकता है। ये बात तो सही है भाई, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखे हैं, कंपनी का नाम कोट नहीं करोगे लेकिन साइरस मिस्त्री का कांड पता ही है सबको भाई। तो सुरक्षा अपने हाथ में है, आप आराम से चलाओगे तो किसी भी कार में सुरक्षित रह सकते हो। हाँ, लेकिन आपको समझदारी उसमें होती है कि आप किस तरह से एक अफोर्डेबल कार और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी ज़रूरत क्या है उसको अगर आप समझते हैं तो वो फ़ायदे का सौदा होता है। भाई ये 80 से आ रही है मारुति, हाँ 81 से इंडिया में आई है, और सेफ्टी टेस्ट अभी शुरू हुआ है, इसके पहले भी तो हमारे पास थी, 800 थी मेरे पास। भाई एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा अपनी वीडियो में कि भैया को ड्राइविंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब हमारे जो पूरी फैमिली है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उनमें से भैया हैं। अकेले ये ड्राइव करते हुए आराम से मुंबई यहाँ से चले जाएं, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पड़ता है, नॉन स्टॉप भी जा सकते हैं। नॉन स्टॉप, मैंने कोरोना में मैं नॉन स्टॉप ही आया था, नॉन स्टॉप कई बार ट्रैवल किए, तो इनको ड्राइविंग का शौक़ है। और ड्राइविंग वाला आदमी जिसको शौक रहता है ना, तो वो ऐसे ही चुन के, और काम आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले मुझे भी लगा था भैया आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए जो एसेसरीज़ लगवाइए, लेकिन जिस तरह से काम हुआ है वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत अगर और उस पर बारीकी से काम करते तो 10-15 हज़ार बचा लेते, क्योंकि अपने घर में 15-16 गाड़ियां हैं, हाँ, और हर कंपनी की गाड़ियां हैं, हाँ, तो मुझको इसमें कोई डिमेरिट नज़र नहीं आई। हाँ, और ऑलरेडी एक गाड़ी बलिनो दो हमारे यहाँ यूज़ हो रही है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड, और 800 मैंने यूज़ किया हुआ है। तो भैया मारुति का जो प्रेम था वो पूरा, हालांकि इन्होंने बीच में इंडिगो भी रखी थी। हाँ, मैंने पूरा 15 साल चलाया, उसमें इंजन में रिंच नहीं लगी कभी। और भैया ये माइलेज तो ले लेते हैं आराम से, मतलब बोलते हैं सूंघो नहीं पेट्रोल ज़्यादा, तो सूंघने भी नहीं दूंगा थोड़े में। तो इस तरह की इनकी ड्राइविंग रहती है, ये जोक्स अपार्ट, बट एक अच्छी चॉइस। जो लोगों को ये लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और 10 लाख रुपये के अंदर आप इस तरह से एक बेहतरीन प्रोडक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। बधाई हो आपको, और बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले पूछता हूँ, भैया आपको कोई ऐसी पॉइंट लगा कि जहाँ पे मारुति को काम करने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत? मारुति कास्ट कटिंग करती है वो अच्छा नहीं है। अब जैसे ये की है जिसकी सबसे बात की थी अभी हमने, अभी आप टाटा की कोई गाड़ी ले लो उसमें फ्लिप वाली की मिलती है, ये बस यही है, कास्ट कटिंग थोड़ा सा कम कर दे, बाकी तो लोग वैसे ही तैयार हैं मारुति का प्रोडक्ट लेने के लिए। तो चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटो ट्यूब इंडिया।